हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, तो नहीं, हम पुराने टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर वन ज्योग्राफी। हम लोगों ने इससे पहले पार्ट वन पढ़ चुका है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। मैंने पार्ट वन में ही बताया था ना, हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट वन में, पार्ट टू में। ये जो मैंने लिखा है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में कवर करेंगे। इससे पहले मैं एक और बार आप बता दूं कि जिसने जिन लोगों ने भी अपना मैंने बोर्ड एग्जाम का एक पैटर्न बता रखा है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, कितने बुक से कौन से मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितने मैथ्स के मार्क्स आएंगे, कितने 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो सारी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। तो प्लीज उसको जाके पहले जरूर देख लेना, ताकि हमें एटलीस्ट ये पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये जो है, ये क्या है, ये बोल्ड पॉइंट्स तो नहीं, यानी कि टॉपिक्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में दे रखे हैं, तो हमें ये पहले पता हो जाना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। जैसे हम एक ट्रिप पे जाते हैं, किसी भी एक ट्रिप पे जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए पहले ही कि मैं वहां जाके ढूंढना क्या क्या है, मतलब क्या क्या घूमना है। हमें ए जगह पे जाना है, बी जगह पे जाना है, सी जगह पे जाना है, तो क्या हमारी ट्रिप क्या हो जाती है, एक तरीके से बहुत आसान हो जाती है। इसी तरीके से ये हमारी क्या है, एक तरीके से ट्रिप है इस चैप्टर की, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने पार्ट 1 यानी कि एक जगह तो हमने घूम ली है। कैसे, पार्ट 1 में हमने जाना था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन के जाना कि रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे रिसोर्सेज को डिवाइड कर रखा है, उसके बाद हमने डेवलपमेंट को जाना कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्या है और क्यों जरूरी है, उसके बाद हमने रिसोर्स प्लानिंग की, रिसोर्स की प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, ये जाना था पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 में कवर करेंगे लैंड रिसोर्सेज, यानी कि हमने इस पार्ट 1 में रिसोर्स पूरा सिर्फ रिसोर्सेस रिसोर्स पे कवर किया, रिसोर्स को इंपॉर्टेंस दी, रिसोर्स क्या होती हैं क्लासिफाई किया उसको, डेवलपमेंट कैसा होता है, कैसे होता है, प्लानिंग क्यों जरूरी है। वहीं आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे हमने 2 रिसोर्सेस के बारे में, 2 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस के बारे में, एक लैंड रिसोर्सेस के बारे में और एक सॉइल रिसोर्सेस के बारे में। रिसोर्सेस पता चल गया, अब हमें एक लैंड रिसोर्सेस के बारे में पता पढ़ेंगे और एक सॉइल रिसोर्सेस के बारे में। इन दोनों के बारे में क्या क्या पढ़ना है, लैंड रिसोर्सेस होते क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया वो क्या है उसको जानेंगे, उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, यानी कि लैंड का क्या हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है उसको जानेंगे, और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसको जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सॉइल, सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल रिसोर्सेज क्या होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सॉइल्स का कि कितने टाइप्स में सॉइल डिवाइड हो रखी है हमारे इंडिया में, उसी के बाद सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन, यानी कि जो सॉइल का इरोजन हो रहा है वो कौन से कारण है जिसकी वजह से इरोजन हो रहा है, और क्या हम कर सकते हैं जो सॉइल हमारी कंजर्व हो जाए। तो इन दोनों, इस पार्ट में हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लैंड रिसोर्सेज के बारे में और सॉइल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने मेन टॉपिक्स है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लैंड रिसोर्सेज से। मैं इसको मिटा देता हूँ, लैंड रिसोर्सेस। तो लैंड क्या है, हमारा एक रिसोर्स है। अब लैंड हमारा रिसोर्स क्यों है, हम लोगों ने रिसोर्सेस की जब डेफिनेशन पढ़ी थी अपने पार्ट 1 में, जो जिन लोगों ने ये पार्ट 1 नहीं देखा है, ये पार्ट 2 है, इसमें हम लैंड रिसोर्सेस और सॉइल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेस होता क्या है, तो जिसमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो भी कुछ हमारे काम आ रहा हो, हमारे डिजायर्स को पूरा कर रहा हो, हमारी नीड्स को पूरा कर रहा हो, वो क्या कहलाएगा, रिसोर्स। तो लैंड रिसोर्स, लैंड क्या हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हाँ ना, कितनी सारी चीजें लैंड पे ही तो सारी चीजें हम कर रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लैंड पे ही तो बना रहा हूँ, लैंड पे ही तो खड़े होकर बना रहा हूँ। तो ये रिसोर्स क्या है, लैंड हमारा एक रिसोर्स है, उसके यूजेस क्या है, लैंड के यूजेस क्या है, कैसे हमारी डिजायर्स को लैंड पूरा कर रहा है। अगर सोचो लैंड ही ना होता तो क्या होता, अगर ये जमीन ही ना होती तो क्या होता, कहाँ स्कूल्स बनते, कहाँ आप लोगों के खेलने के पार्क बनते, कहाँ मॉल, कहाँ खाने के लिए रेस्टोरेंट्स, ये सब कहाँ होते, हवा में। तो आज हम लैंड रिसोर्सेस के उसके यूजेस को पढ़ते हैं कि इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन, जंगल, पेड़ पौधे, माउंटेन्स, ये सब किस पे हैं, लैंड्स पे हैं। वाइल्ड लाइफ, हमारे सारे जानवर कहाँ रहते हैं, लैंड पे। ह्यूमन लाइफ, हम लोग मनुष्य कहाँ है, लैंड पे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितनी भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जैसे बाजार, मार्केट, ये सब क्या है, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जहाँ इनकम जनरेट हो रही हो, तो वो सब कहाँ होती हैं, लैंड पे। ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट यानी कि बस ट्रेन ये सब कहाँ होती हैं, लैंड पे। कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हम कम्युनिकेशन हमारा भी तो ये कम्युनिकेशन ही होता है, तो ये सिस्टम कहाँ है, क्या है, लैंड पे। तो लैंड कितनी सारी यूजेज हैं लैंड के, तो हमारी सारी डिजायर्स को पूरा कर रहा है ना कौन, लैंड। इसीलिए कि क्या कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है। हमने यूजेस को पढ़े, अब हम देखते हैं लिमिटेशंस कि लिमिटेशंस देखते हैं कि लैंड इज एन एसेट ऑफ फिनाइट मैग्नीट्यूड। ये मैंने जो रेड बॉक्स में फिनाइट मैग्नीट्यूड कर रखा है बेटा, इसका वर्ड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंड इज एन एसेट ऑफ फिनाइट मैग्नीट्यूड, यानी कि जो हमारा लैंड है वो ऐसा तो नहीं है कि हर दिन बढ़ रहा हो या हर दिन कम हो रहा हो, जितना है उतना है। हमारे भगवान ने, प्रकृति ने जितना भी हमें लैंड एरिया दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इतना लैंड एरिया दिया है हमारे एनवायरमेंट ने, तो अब इतना ही तो लैंड एरिया रहेगा, ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा क्या, आप एक साल बाद इतना तो नहीं हो जाएगा, नहीं ना, जितना है उतना ही रहेगा। तो ये क्या है, फिनाइट मैग्नीट्यूड है, इनफिनाइट नहीं है। एक वर्ड होता है फिनाइट, एक वर्ड होता है इनफिनाइट, आई एन लगा दो तो यहां हो जाएगा इनफिनाइट, यानी कि कितना भी यूज करो नहीं, लिमिटेड है हमारे पास लैंड, फिनाइट है, इसलिए हमें लैंड क्या है, इसलिए हमारा फिनाइट मैग्नीट्यूड है। जो भी कुछ करना है, जितनी भी सारी एक्टिविटीज करना है, जितना भी लैंड का यूज करना है, सिर्फ इसी एरिया में करना है जो हमारे नेचुरली हमें मिला है हमारे एनवायरमेंट से। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं लैंड का, यानी कि प्लेन एरिया, माउंटेन्स और प्लेटू। आप सभी ने सुना होगा प्लेन एरिया, प्लेटू और माउंटेन, इन तीनों में क्या हो रखा है, हमारा लैंड डिवाइड हो रखा है। 43% हमारा क्या है, प्लेन एरिया है, 33% क्या है हमारा, माउंटेन है, और 27% क्या है, प्लेट्यू है। आई होप इन तीनों के मतलब मुझे नहीं समझाने पड़े, आप लोगों को इतना तो जानते होंगे प्लेन एरिया क्या होता है, माउंटेन्स क्या होते हैं और प्लेटी क्या होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ माउंटेन्स हैं, सबसे फेमस माउंटेन हिमालयन माउंटेन। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें जो आप लोग टेंथ में आ गए हो तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, जाके पता कर लो। एक चीज होती है कि अगर हमें कुछ चीज नहीं पता है, ये हमारी गलती नहीं है, ठीक है, ये हमारी गलती है लेकिन उतनी नहीं है जैसे अगर हमने अभी बात की थी। लेकिन अगर आपको पता चला कि मेरे को ये वाली चीज नहीं पता है, मेरे को माउंटेन्स के बारे में नहीं पता है, मेरे को हिमालय कहाँ पे है हमारे इंडिया में नहीं पता है, और मैंने उसके बाद जानने की भी कोशिश नहीं करी, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। ठीक है, तो इसको सुधारना है। तो समझ आया, लैंड हमारा एक रिसोर्स क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे हमारी डिजायर, सारी नीड्स को पूरा करता है, और ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी लैंड पे ही हो रही हैं। उसकी लिमिटेशंस हमने पढ़ी कि एक एसेट है फिनाइट मैग्नीट्यूड, यानी कि लैंड है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूशन समझा हमने, प्लेन एरिया, माउंटेन और प्लेट्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब हम इसका यूटिलाइजेशन देखते हैं कि हम लैंड को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। एक तो फॉरेस्ट के इस पे जंगल, जंगल होते हैं ना एरिया, हमारे जो लैंड का कुछ भाग क्या हो रखा है, जंगलों में बट रखा है। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि कुछ ऐसा एरिया जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन एंड वेस्टलैंड क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ऊबड़ खाबड़ एरिया होता है ना बहुत सारा, अगर कोई मध्य प्रदेश से हो या मध्य प्रदेश से जैसे चंबल का आसपास का इलाका है, वो क्या है, ऊपर नीचे टीले हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बैरन एंड वेस्टलैंड, वहां पे एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, इसलिए वो क्या है, वेस्टलैंड है। एग्रीकल्चर हो सकता है अगर और अच्छी से हमें टेक्नोलॉजी यूज करें, है ना, तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज, और कुछ ऐसा लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूज हो रहा है, वो क्या है, अपना लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है। उसे थर्ड पॉइंट है, अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, यानी कि जो एरिया कल्टीवेटेड नहीं होता है वो कौन सा है, एक तो ग्रेजिंग लैंड। अब ग्रेजिंग लैंड क्या होता है, जो जहां एरिया, जैसे ये एक एरिया है, इस पे क्या करते हैं, जैसे छोटी छोटी घासें होती है ना, छोटी छोटी घासें होती है, तो हम लोगों को पशु वगैरह उसको चारा चरते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ग्रेजिंग लैंड कहलाते हैं, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। लैंड ऑफ मिसलेनियस ट्रीज, यानी कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां अपने आप ट्रीज पनप जाते हैं, है ना, तो उसको क्या कहलाते हैं, लैंड ऑफ मिसलेनियस ट्रीज। आपने हमेशा देखा होगा हमारे हाईवेज के किनारे क्या होता है, हमारे हाईवेज जितने भी हमारे हाईवे होते हैं, यहां हमेशा पेड़ होते हैं, साइड में पेड़ होते हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, लैंड ऑफ मिसलेनियस ट्रीज। तो ये सारा लैंड है, यहाँ एग्रीकल्चर तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे ट्रीज है, तो ये क्या कहलाएंगे, मिसलेनियस ट्रीज, तो लैंड इसमें भी यूटिलाइज हो रहा है। कल्चरेबल वेस्टलैंड,
और यानी कि कुछ ऐसे लैंड जो बेस हैं उसमें भी यूटिलाइज हो रहा है हमारा लैंड। फोर्थ पॉइंट इज फेलो लैंड, यानी कि फेलो लैंड अब क्या होता है, वो एरिया अनकल्टिवेटेड फ्रॉम वन ईयर, यानी कि वो एरिया जो एक साल से कल्टिवेट ही नहीं हुआ है। कोई एक खेत है आप लोगों का, ये मान लो ये आप लोगों का खेत है, ये आप लोगों का खेत है, ये एक साल से कल्टिवेट ही नहीं हुआ है। वैसे हमेशा एक साल में दो फसल तो हो ही जाती है ना खेतों में, लेकिन इस जिस भी खेत पे या कोई से भी एरिया पे एक साल से खेती ना हुई हो तो उसको हम क्या कहलाएंगे, करंट फेलो लैंड में वो काउंट होगा। एंड द फिफ्थ वन इज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है, एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, यानी कि ऐसा एरिया जो एक साल पे उस पर खेती होती ही होती है उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। दोनों को देख रहे हो, इसमें क्या फर्क था फेलो लैंड में कि उसमें एक साल से खेती ना हुई हो उसको हम बोलेंगे फेलो लैंड, और नेट सोन एरिया क्या कहलाएगा, नेट सोन एरिया कहलाएगा एक साल में एटलीस्ट एक साल में एक बार तो खेती होती ही होती हो उस लैंड पर, उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। तो ये तो होगी अपनी लैंड रिसोर्सेज यूजेस लिमिटेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन की बात और उसके यूटिलाइजेशन की बात, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, हमारे इंडिया में लैंड का जो यूज का उसका पैटर्न है, हम कैसे यूज कर रहे हैं उस लैंड को हमारे इंडिया में, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन कुछ मेथड्स देखेंगे और डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है लैंड का वो जानते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में लैंड को किस तरीके से यूज किया जाता है, उसका पैटर्न क्या है, यानी कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो अगर हम बात करें अपना जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पूरा अपने ओवरऑल इंडिया का, इंडिया क्या है ये रही ना अपनी इंडिया। मैं छोटा सा मैप बना देता हूं जल्दी से आप लोगों के लिए, रफली ऐसी मैं मैप बना दे रहा हूं, ठीक है आप समझ जाना यही इंडिया है, ये बन गया अपना क्या इंडिया। तो ये इंडिया, इसका प्रॉपर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर हम बात करें एक डाटा एक सर्वे के अनुसार जो 93% डाटा अवेलेबल है, यानी कि अपनी प्रॉपर इंडिया का 93% तो डाटा अवेलेबल है, लेकिन 7% नो प्रॉपर डाटा, 7% प्रॉपर डाटा नहीं है। अब वो कौन सा है 7%, यानी कि ये वाला जो पार्ट अक्साई चीन पे चला गया, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पीयूके पे चला गया, कुछ अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, तो ये सब क्या है, इसका हमें डाटा प्रॉपर नहीं है। इसी तरीके से इसलिए हम पे 93% डाटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये पूरा अपना लैंड यूज पैटर्न के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले नेट सोन एरिया, हमें पता चल गया नेट सोन एरिया क्या होता है, जिस पे एटलीस्ट एक साल में एक बार तो खेती होती ही होती हो, कल्चरेबल जो लैंड हो, तो वो क्या है, द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब क्यों पैटर्न वेरी करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक नेट सोन एरिया का, देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने पंजाब और हरियाणा राज्य की, यहाँ है पंजाब और हरियाणा राज्य, यहाँ पे जो नेट सोन एरिया है वो 80% है। कितना एरिया है 80% किसका, पंजाब और हरियाणा का। वहीं अगर हम बात करें अपने अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, यहाँ पे जो नेट सोन एरिया है वो केवल 10% है, केवल 10% है। अब ऐसा क्यों है, आपको पता है जो हमारा जो लैंड है वो सब जगह सेम तो नहीं है ना, जो पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके के लैंड की टोपोग्राफी है, तो लैंड टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, लैंड टोपोग्राफी में क्या होता है, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे वैलीज हैं, कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे प्लेन एरिया है, ठीक है। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम की बात करें तो ये सारे क्या है, यहाँ पे सारे माउंटेन एरिया, प्लेन एरिया इतने नहीं है, वहां पे जो लैंड भी वो है इतना फर्टाइल नहीं है एज कम्पेयर टू पंजाब और हरियाणा। इसीलिए पंजाब हरियाणा का 80% क्या है नेट सोन एरिया है, और 10% अरुणाचल प्रदेश मणिपुर जो अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे है। असम की बात करें, अगर नॉर्थ ईस्ट में असम को गिनोगे तो असम में प्लेन एरिया काफी है और काफी एग्रीकल्चर होता है, तो उसको कंपेयर हम इन स्टेट से नहीं कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम से, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा लैंड का यूज का जो पैटर्न है, वो जो नेट सोन एरिया का पैटर्न है, वो वेरी करता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी रीजन बता दिया, इसका रीजन क्या है कि जो जहाँ की टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है ना हमारा कल्चर या एग्रीकल्चर,
जहां पे प्लेन एरिया होगा, जहां पे सारी फैसिलिटीज होंगी, वहां पे क्या होगा, वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो नेट सोन एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पंजाब हरियाणा में 80% है, वहीं अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम में 10% है। वही अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 1960-61 सर्वे के अनुसार 18.11% हमारा क्या था, फॉरेस्ट एरिया था हमारे इंडिया में। लेकिन 2014-15 के अनुसार हमारे पास 23.3%, यानी कि इंक्रीज हो गया हमारा फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया हैव इंक्रीज ओवर टाइम, तो ये तो अच्छी बात है ना। हमारे पास पहले कितना था, पहले था 18%, अब हो गया 23% के लगभग, तो हमारा फॉरेस्ट एरिया तो इंक्रीज हो गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार, किस पॉलिसी के अनुसार, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। किसके लिए, हमारे हमारे इंडिया में कितना होना चाहिए, 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। उसका रीजन है, अगर 33% से कम होगा तो जितने लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं, बहुत से लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड है, वहां की लकड़ियां यूज करते हैं, वहां के जंगलों से अपनी इनकम जनरेट करते हैं, तो वो क्या होंगे, वो उन लोगों पे इंपैक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे अगर हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीजें कितनी बढ़ रही हैं, हमारे इंडिया में अभी कितना टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच गया है, तो एनवायरनमेंट के लिए भी 33% होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉरेस्ट का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैंड यूज पैटर्न, किस तरीके से हम लैंड को यूज कर रहे हैं हमारे इंडिया में। वही अगर हम बात करें, लैंड है, हमें पता चल गया लैंड है, लेकिन उसका डिग्रेडेशन भी हो रहा है, उसका रीजन पढ़ते हैं, उसके कॉजेस पढ़ते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, अब हम उसको जानते हैं। द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, यानी कि जो लैंड है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई है, उसको हम बोलेंगे लैंड डिग्रेडेशन। अब जो डिक्लाइन हो रही है उसके पीछे बहुत से कारण होंगे, बहुत से कॉजेस होंगे, उसको जानते हैं। तो जो लैंड डिग्रेडेशन का पहला कॉजेस है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों की कटाई। हम अपने डेवलपमेंट के लिए, है ना, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, जिससे उसे क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ये क्या कॉज कर रहा है, ये हमारा लैंड को डिग्रेड कर रहा है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो हमारी जो क्वालिटी होती है मिट्टी की और लैंड की, उसको इंक्रीज करते हैं। लेकिन हम पेड़ ही काट देंगे, पेड़ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता, बहुत सारी चीजों में हमारे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। लेकिन हम पेड़ों को ही काट देंगे तो क्या होगा, लैंड तो ऑब्वियस है डिग्रेड हो गई, जंगलों को बेसिकली। ओवर ग्रेजिंग मतलब, यानी कि जो जहां पे पशु जो जिस लैंड में चरते हैं, आपने देखो ना एक प्रॉपर एक एरिया होता है घास का, छोटे छोटे घास होते हैं, वहां पे जो पशु होते हैं वो उस एरिया को चरते हैं। लेकिन वो जब ओवर ग्रेजिंग कर देंगे, उसकी पूरी परत को हटा देंगे, तो जो लैंड की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो क्या हो जाएगी, वो निकल जाती है, जो जिसमें मिनरल्स होते हैं वही चले जाते हैं, और वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। फिर ओवर इरीगेशन, इरीगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई। हम लोग खेतों में पानी देते हैं ना फसलों को, अब वहीं अगर हमें थोड़ी जितनी क्वालिटी का इरीगेशन चाहिए, उस क्वालिटी नहीं क्वांटिटी सॉरी, उसके ज्यादा अगर इरीगेशन करेंगे तो क्या होगा, इरीगेशन से लैंड डिग्रेड हो जाएगा। क्यों, अगर एक मिट्टी है, ये है, यहाँ पे फसल हो रखी है, इसमें हम क्या दे रहे हैं, इस पे हमें पानी देना था इस लेवल का, लेकिन हमने दिया इतने लेवल का, तो इस लेवल से क्या होगा, जो ये मिट्टी की ये जो ऊपर की परत है जिसमें मिनरल्स होते हैं वो सारे निकल जाएंगे, बह जाएंगे, तो क्या होगा, ओवर ग्रेजिंग से कॉज होगा, लैंड डिग्रेड होगा। वहीं इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो अपना वेस्ट निकालती हैं, उनमें कितने केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स किसमें जाके मिलते हैं, हमारी लैंड में, जिससे क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है। वहीं सीमेंट इंडस्ट्रीज जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, जहाँ भी जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं या अदर कोई भी माइनिंग इंडस्ट्रीज मान लो, वो क्या करती हैं, डस्ट जनरेट करती हैं, और वो डस्ट लैंड पर जाके गिर जाती है, चिपक जाती है, तो जिससे क्या होता है, जो अपर मोस्ट लेयर है वो खत्म हो जाती है और लैंड धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। तो ये हमारे कॉजेस हैं कुछ लैंड डिग्रेडेशन के, ये हमें पांचों पता होने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रीजिंग, ओवर इरीगेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। अब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात, तारक मेहता का एक गाना है ये। तो कॉजेस तो हैं ये, तो कॉजेस पता चल गए हमें, लेकिन उसके पीछे कंजर्वेशन कुछ मेजर्स भी है, जिससे हम इन कॉजेस की वजह से जो लैंड डिग्रेड हुआ है उसको हम रोक सकते हैं। वो क्या है मेजर्स, एक तो एफॉरेस्टेशन, आप खुद ही सोचो, अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमें पता चल गया ये कॉजेस हैं, ये हैं कारण,
ये किसके कारण है, लैंड के डिग्रेड होने के, इनको ठीक कर लो अपने आप कंजर्व हो जाएंगे। यहाँ डिफोरेस्टेशन जंगलों को काट रहे हो, यहाँ एफोरेस्टेशन करो जंगलों को लगाओ, तो वो क्या होगा, अपने आप वो मेजर बन जाएगा, वो अपने आप रुक जाएंगे। तो जो कॉजेज है उसका उल्टा कर दो, कंजर्वेशन मेजर्स बन जाएंगे। जैसे कि अफॉरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन के लिए, यहाँ डिफोरेस्टेशन से क्या हो रहा था, कॉजेज हो रहा था, वहीं अफॉरेस्टेशन क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, यहाँ पे क्या है, ओवर ग्रेजिंग हो रही थी, इसकी मैनेजमेंट कर लो तो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा अपना लैंड। प्रॉपर इरीगेशन, यहाँ ओवर इरीगेशन हो रहा था, यहाँ पे इरीगेशन को प्रॉपर कर लो। वहीं कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे क्या हो रहा था, हम सीमेंट इंडस्ट्री को क्या कर रहे, ये सीमेंट इंडस्ट्रीज क्या कर रही थी और माइनिंग इंडस्ट्रीज, ये इनको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, जो जो अपनी ये एक्टिविटीज से हमारी लैंड को डिग्रेड कर रही है उसको कंट्रोल करना है। वहीं ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट, हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को यहाँ क्या कर रहे थे, ये हमारा बहुत बड़ा कॉजेस था, वहीं हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलेगा उसको ट्रीट करेंगे, फिर रिवर में या लैंड पे छोड़ेंगे, जिससे जो लैंड है वो डिग्रेड नहीं होगा। तो इस समझ आया, जो कॉजेज होते हैं वही जो कारण है हमारी, जैसे अपने आप में देखो, जो हमारे मतलब हमारी बुराई के जो कारण, जैसे मैं लेट उठता हूँ, मैं 11 बजे उठता हूँ, आप एग्जांपल लेते हैं कि मैं 11 बजे उठता हूँ, तो ये मेरा कॉजेज हो गया ना मेरी हेल्थ खराब करने का। अगर मैं वहीं 7 बजे 6 बजे उठने लगूँ तो मेरी हेल्थ क्या है, ठीक हो जाएगी। तो वही कारण है और वही सोल्यूशन है, तो यही कॉजेज है और यही सोल्यूशंस हैं। तो आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, ये लैंड यूज पैटर्न, लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेथड। ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है हमारा कि लैंड डिग्रेडेशन और उसके कंट्रोल मेजर्स बताओ, कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हमें वो बताना है, उसके कॉजेज बताने हैं और कंजर्वेशन मेजर्स बताने हैं। अब हमें पढ़ना है सॉइल के बारे में, हमने जैसे लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। मैंने सोचा था मैं इसी में वीडियो बनाऊं सॉइल रिसोर्सेज के बारे में भी, लेकिन ये आप लोगों के लिए काफी लेंदी हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे छोटे छोटे तरीके से पढ़ते हैं ताकि समझ अच्छे से आ जाए, हमें कोई रेस नहीं लगानी ना है कोई भागना है। तो जो सॉइल रिसोर्सेज है वो मैं थर्ड पार्ट में बनाऊंगा, वैसे तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 सोचा था इस चैप्टर के लिए, लेकिन अब थर्ड पार्ट क्रिएट करें बनाऊंगा मैं, जिसमें सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेम यही पढ़ना है हमें उसमें भी, सॉइल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके कॉजेज क्या हैं, सॉइल रिसोर्सेज के डिग्रेडेशन के उसके कंजर्व मेजर्स क्या हैं। उसके बाद उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से, जो हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से वीडियो या कंटेंट समझ आ गया होगा जो हम लोगों ने पढ़ा, और नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि ये इस तरीके से पढ़ाओ या इस तरीके से मुझे समझ नहीं आया, तो मैं वो भी कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अभी तो फिलहाल सॉइल रिसोर्सेज के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।